न्यूयॉर्क शहर के स्कूल 1 नवंबर को दिवाली के मौके पर रहेंगे बंद। इस निर्णय से शहर में हिंदू समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को मिलेगा बढ़ावा। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर कार्यालय में डिप्टी कमिश्नर ने दी जानकारी। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदय निधि स्टालिन के जींस और टी शर्ट पहनने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया है कि वे राज्य सरकार के 2019 के ड्रेस कोड का उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है। इधर बाबा सिद्दीकी के हत्या के बाद विधायक जुसान सिद्दीकी और सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले 20 वर्षीय मोहम्मद तैयब अली को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। पेशे से बढ़ई तैयब की मां का कहना है कि उसके बेटे ने मुखर्ता में ऐसा काम किया है। भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के मौके पर नई दिल्ली पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा शुरू की है। ये ट्रेन 994 किलोमीटर की दूरी को मात्र 11 घंटे 35 मिनट में तय करेगी। ये सेवा बुधवार, शुक्रवार और रविवार को दिल्ली से और सोमवार, गुरुवार और शनिवार को पटना से चलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, जिससे अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकेंगे। ये सुविधा प्रमाण पत्र प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करने में मदद करेगी। करीमनगर में दिवाली का जश्न कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है। बता दें, यहाँ के लोग अपने मृतकों की कब्रों पर दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दौरान वे कब्रों की सफाई, सजावट और अपने प्रियजनों के लिए भेंट चढ़ाते हैं। बता दें, ये आत्माओं की शांति के लिए किया जाता है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिवाली पर पटाखों को लेकर विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने प्रदूषण के मुद्दे पर चिंताओं का मजाक उड़ा। कहा कि ऐसी चिंताएं दिवाली पर नहीं बल्कि बकरी ईद पर उठानी चाहिए। रॉयल इनफील्ड की नई बाइक बियर 650 5 नवंबर को इटली के मिलान में EICMA मोटर शो में लॉन्च होने जा रही है। इस बाइक के स्टाइल और लुक की पहली झलक सामने आ गई है। ग्लोबल मार्केट में रॉयल इनफील्ड की लोकप्रियता को देखते हुए ये बाइक काफी चर्चा में है। NHI ने हेड टेक्निकल और हेड टोल ऑपरेशन के पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर है। उम्मीदवारों के लिए BE, BTEC डिग्री और 55 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। चयन इंटरव्यू के माध्यम से होगा और सफल उम्मीदवारों को लगभग 29 लाख रुपए का वार्षिक परिश्रमिक मिलेगा। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे RSS नेता इंद्रेश कुमार ने वक्फ बोर्डों में सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के कारण वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 6 राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए घटाने का ऐलान किया। ये फैसला 30 अक्टूबर से लागू हो गया है। मंत्री ने बताया कि तेल विनिर्माण कंपनियों ने पंप डीलरों के कमीशन में बढ़ोतरी की है, जिससे कीमतों में कमी आएगी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने AO प्रशासनिक अधिकारी स्केल 1 परीक्षा के लिए परिणाम जारी कर दिए हैं, जो कि 170 पदों के लिए है। उम्मीदवार नतीजे न्यू इंडिया की वेबसाइट newindia.co.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। सफल उम्मीदवारों को अब लेवल 2 की परीक्षा में भाग लेना होगा। सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने अपने इंस्टाग्राम पर फैंस से दिवाली पार्टी के लिए आउटफिट चुनने की अपील की है। उन्होंने अपनी तस्वीर साझा की और फैंस से सलाह मांगी कि कौन सा आउटफिट उनके लिए सही रहेगा। सारा ने बताया कि वे एक हाउस पार्टी के लिए तैयार हो रही हैं और इस मौके पर वे काफी उत्साहित हैं। चीन की सरकार घटती जनसंख्या को लेकर चिंतित है और लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील कर रही है। इसके लिए सरकार ने प्रसव सब्सिडी, टैक्स में छूट और मातृत्व बीमा जैसी नीतियों की घोषणा की है। चीन में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या ने युवा जनसंख्या की कमी के बीच चिंता को और बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पार्टी नेता आगा सैयद रहुल्ला मेहदी ने पत्र लिखकर कई कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने के लिए दबाव बनाया है। ये मुद्दे उपराज्यपाल के अधीन होने के कारण हल करना उनके लिए जटिल होगा। राजनीतिक समीकरणों के बीच उमर अब्दुल्ला को इस स्थिति से निपटने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए महत्वपूर्ण डील हुई है, जिसमें विवादित क्षेत्रों से चीन के तंबू हटाए गए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने हाल ही में रूस में मुलाकात की, जबकि अमेरिका ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उसकी कोई भूमिका नहीं है। दोनों देशों के सैनिक अब पीछे के क्षेत्रों में तैनात हैं और पेट्रोलिंग छोटे दलों के साथ की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 29 अक्टूबर तक लगभग 8,000 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नामांकन पत्रों का सत्यापन जो है 30 अक्टूबर को होगा और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है। शेयरिंग और टिकट बंटवारे को लेकर सियासी दलों में खींचतान और बगावत की घटनाएं देखने को मिल रही है। इस साल की दीपावली अयोध्या में बेहद खास है, क्योंकि प्रभु श्री राम 500 वर्षों बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। अयोध्या राम मंदिर को इस दीप उत्सव पर 1,100 क्विंटल फूलों से सजाया गया है, जिसमें 240 प्रकार के देसी और विदेशी फूल शामिल हैं। मंदिर की भव्य सजावट और लाइटिंग लोगों को काफी आकर्षित कर रही है। एलन मस्क ने $35 मिलियन में 14,400 वर्ग फुट की हवेली खरीदी है, जो कि एक 6 बेडरूम वाले पड़ोसी हवेली के करीब स्थित है। मस्क का जो इरादा है कि उनके 2 बच्चों की माताएं इन पास की प्रॉपर्टी में रहें, जिससे बच्चे एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन सके। ये व्यवस्था उन्हें और उनके बच्चों को एक साथ समय बिताने का मौका देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दिवाली अरुणाचल प्रदेश के तवांग में होंगे। वे सीमा पर तैनात सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे। इसके लिए वे बुधवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ 2 दिन की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। टाटा मोटर्स ने भारतीय मार्केट में काफी पॉपुलर सफारी SUV के फीचर्स में तत्काल बदलाव कर दिया है। कंपनी ने सफारी प्योर वेरिएंट के कई फीचर्स को लिस्ट से हटा दिया है। इसके बदले में SUV की कीमत भी नहीं घटाई गई है। लीक हुए दस्तावेज की माने तो सफारी प्योर के साथ अब तीसरी कतार के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और LED लाइट्स जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है नौशाद रजा, संजीव कुमार, सपना कुमारी, दीपक कुमार, अमित कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, संदीप कुमार गुप्ता। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, दिवाली पर सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है, दीप जलाना, मिठाइयां खाना या फिर पटाखे फोड़ना? इसका जवाब हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।